नमस्कार दोस्तों, आज साल के आखिरी दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तरफ से सहायक उप निरीक्षक आशुलिपिक अर्थात स्टोनो और हवलदार पद के लिए विज्ञापन निकला हुआ है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें परीक्षा की तिथि भी दी गई है, किस दिन आपका एडमिट कार्ड आएगा, किस दिन परीक्षा होगी, वो सब पहले से ही प्री प्लान्ड है। तो कहने का मतलब यह है कि इस परीक्षा को सीआरपीएफ बहुत ही कम समय में संपन्न कराना चाहती है, और इसमें जो आशुलिपिक के पद है वो अनारक्षित वर्ग के 58 है। ठीक है, आशुलिपिक मतलब स्टोनो साहब के, ईडब्ल्यूएस के 14, ओबीसी के 39, अनुसूचित जाति के 21 और अनुसूचित जनजाति के 11 है। टोटल 143 पद हैं स्टोनो साहब के, और हवलदार मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्रियल जो हवलदार हैं उनके जो है टोटल 1315 पद हैं, जिसमें 532 पद है जनरल के, ईडब्ल्यूएस के 132, ठीक, 355 पद है ओबीसी के, 197 पद है एससी के, एसटी के जो है 99 पद। इसमें जो आशुलिपिक का स्टोनो का है उस पर ध्यान देने की बात है कि आज ही रिजल्ट आया है एएसआईएम, एएसआई और एसआई स्टोनो का। उसमें स्टोनो के जितने पद थे उससे कम पद भरे गए हैं, उसमें बहुत से पद खाली चले गए हैं। तो जिनको स्टोनो आती है वो अपना और मजबूत कर ले, तथा जिनको नहीं आती है सीखना चाहते हो आज से ही शुरू कर दे, क्योंकि वहां पे आपको समय नहीं मिल पाएगा कि आप स्टोनो की तैयारी करें। जैसे आप इसको पढ़ रहे हैं उसी के साथ तैयारी करते रहे, क्योंकि वहां पे जनरल की तो कुछ सीटें भरी हैं, ओबीसी की जितनी सीटें थी उससे केवल 3 सीटें भरी गई हैं। ठीक है, तो आप यदि स्टोनो का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि स्टोनो में जो अभी एग्जाम हुआ यूपीएसआई का, उसमें एसआई और एसआई कॉन्फिडेंशियल का, उसमें स्टोनो की पोस्टें पूरी नहीं भरी गई है। ठीक है, तो चलिए हम इसको इस विज्ञापन को पूरी तरह देखते हैं। हम बात करेंगे इसमें आपका जो जात प्रमाण पत्र होगा वो कैसा होगा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आवेदन जमा करने की प्रारंभ तिथि क्या है। तो 4 तारीख से आपका आवेदन पत्र भरा जाएगा, अंतिम तिथि आपकी 25 जनवरी है। ठीक है, और आपका जो प्रवेश पत्र होगा वो 15 फरवरी 2023 को जारी हो जाएगा, और आपका जो एग्जाम होगा 22 से 28 फरवरी 2023 के बीच में होगा। मतलब ये एग्जाम आपके फरवरी माह के मतलब आखिरी सप्ताह में होगा। ठीक है, तो समय नहीं है, समय के मतलब ये है कि आप फॉर्म 4 से भरना शुरू करेंगे, 28 को आपका पेपर का द एंड हो जाएगा। तो जितना भी समय है आप पूरे तरीके से लग जाइए। सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे हम अभी अंत में, और इसमें माइनस मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। कुछ बातें यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, पेपर आपका केवल हिंदी अंग्रेजी में होगा। कौशल स्किल टेस्ट केवल अंग्रेजी और हिंदी में होगा, मतलब आपका जो टाइपिंग होगा वो केवल हिंदी और अंग्रेजी में होगा। ठीक है, जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा वो कौशल टेस्ट, शारीरिक मापतौल परीक्षा, दस्तावेजों के सत्यापन, विस्तृत चिकित्सा, ठीक है, पुनरीक्षण चिकित्सा और कंप्यूटर आधारित टेस्ट हो जाने के बाद ही आएगा। और आपका जो फॉर्म है वो केवल ऑनलाइन भरा जाएगा। कुछ और बातें उसे देखते हैं हम लोग। देखिए, टेस्ट के प्रत्येक चरण में जो अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड होगा वो 2 रंगीन प्रति लाना सुनिश्चित करें। मतलब आपको जहां भी एग्जाम देने जाना होगा, जब भी आपको बुलाया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड रंगीन होना चाहिए, आपकी 2 प्रतियों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और एक रंगीन प्रति जो होगा वो इन्विजिलेटर के पास आपको जमा करना पड़ेगा। तो आप जो एडमिट कार्ड निकलवाएंगे पेपर के लिए, अभी जान लीजिए उसको रंगीन निकलवाना है। ठीक है, वेतन मान की बात करें तो जो आशुलिपिक मतलब स्टोनो साहब का होगा वो वेतन स्तर 5 होगा, मतलब 29,200 से 92,300, और जो हवलदार का होगा वेतन 4 का होगा, वेतन स्तर 4 होगा, 25,500 से 81,100 रुपये। ये तो बात हो गई वेतन मान की, और पद की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं है कि कितने कितने पद हैं। अब सबसे बड़ी बात है आयु सीमा। ठीक है, आयु सीमा की बात करते हैं। जो आपकी आयु है वो 18 से 25 वर्ष के बीच में होना चाहिए, अर्थात वो कह रहा कि उम्मीदवार का जन्म 26/1/1998 से 25/1/2005 के मतलब इसी के बीच में होना चाहिए। मतलब आपका जन्म 26/1/1998 से 25/1/2005 के बीच में होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। ये जो है ये जनरल कैटेगरी के लिए है। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी से हैं या भूतपूर्व सैनिक है तो उसमें आपको छूट दी गई है। जैसे एससी एसटी के लिए 5 साल की, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल की,
यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो अंतिम तिथि को वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा घटाने के बाद 3 वर्ष। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप मान लेते हैं 18 वर्ष की उम्र में सैन्य सेवा ज्वाइन कर लेते हैं और 15 साल तक आप सेना में भर्ती रहते हैं, तो ये जो 15 साल है ये आपका माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको 3 साल एक्स्ट्रा क्या होगा, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 5 8 5 13 प्लस 2 2 1 1 2 1 3, यदि आपकी उम्र 33 साल है अभी, ठीक है, तो आप इस नियम के आधार पे अभी आप 18 साल के माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 15 साल आपका जो एज आपने सर्विस दी है सेना में उसको माइनस कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है अंतिम तिथि को वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा घटाने के बाद 3 वर्ष। ठीक है, तो जो आपने सैन्य सेवा दी है उसको आपकी आपकी उम्र से घटा दिया जाएगा। और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, ठीक है, यदि वो 3 वर्ष से ज्यादा की सेवा दी है तो सामान्य EWS 40 वर्ष के हों तो भी ये परीक्षा दे सकते हैं, यस, और OBC उम्मीदवार 43 साल के होंगे तो भी वो पेपर दे सकते हैं। ठीक है, और SC ST के लिए 45 साल तक छूट दी गई। बाकी 84-2002 में अगर दंगे में कोई पीड़ित है तो अनारक्षित वर्ग है तो उससे 5 साल, ठीक है, SC OBC का है तो 8 साल, और यदि वो अनुसूचित जाति मतलब SC ST का है तो उसे 10 साल की आयु में छूट दी गई है, यदि आप 84 या 2002 के दंगों से पीड़ित। यहाँ कुछ बातें और लिखी गई जो बहुत जरूरी है, यदि आप विकलांग व्यक्तियों के लिए, ठीक है, ये फॉर्म ना भरे, ठीक है, इनके लिए कोई यहाँ पे सुविधा नहीं, उपयुक्त वर्णित पदों को विकलांग व्यक्तियों PWS यानी HHOH, ठीक है, VEH, ऑटिज्म से ग्रसित व्यक्तियों को किसी भी श्रेणी के लिए उपयुक्त नहीं माना गया, मतलब कोई भी विकलांग विद्यार्थी इस फॉर्म को नहीं भर सकता। OBC केंद्रीय सूची के लिए उम्मीदवार NCVC की वेबसाइट देख ले, क्योंकि इसलिए लिखा गया है कि OBC का जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो सेंट्रल का लगेगा। ठीक है, वो सेंट्रल का लगेगा, और जिस दिन फॉर्म भरा जा रहा है जो लास्ट दिन है उससे पहले का बना होना चाहिए। तो ऐसे उम्मीदवार जो OBC कैटेगरी से हैं और OBC का लाभ लेना चाहते हैं तो आज ही अपना जो जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दें, ठीक है, जिससे उनका जाति प्रमाण पत्र सही टाइम पे बन जाए। यदि उनका जाति प्रमाण पत्र जो है अंतिम तिथि जो है फॉर्म भरने का उसके बाद का है तो मान्य नहीं होगा, अभी उसके बारे में अलग से पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखा गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। आप यहाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है OBC के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा उसके पास भारत सरकार के अधीन पद पर नियुक्ति के लिए केंद्रीय सरकार की अधिसूचना के अनुसार जाति समुदाय प्रमाण पत्र उपलब्ध हो, जाति या समुदाय प्रमाण पत्र उपलब्ध हो, और राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार नहीं। ठीक है, उसके पास जो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए वो केंद्र सरकार के अनुसार होना चाहिए, ना कि राज्य सरकार। और निर्णायक को संपन्न वर्ग क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं, मतलब वो क्रीमी लेयर का भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग केंद्रीय सूची के लिए अभ्यर्थी NCVC की वेबसाइट देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र होगा OBC के लिए वो क्या होगा, वो सेंट्रल वाला होगा। यदि आपको कोई दुविधा है तो आप सेंट्रल और राज्य का दोनों ही बनवा लीजिए, दोनों अप्लाई कर दिए, मैं तो ये कहूंगा आप दोनों अप्लाई कर दीजिए क्योंकि ज्यादा पैसा लगता नहीं है, और दोनों आपका बन के आ जाए। यदि आप देखना चाहते हैं कि किस प्रकार होना चाहिए, नीचे उसका मॉडल भी दिया गया है कि किस प्रकार आपका जात प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, EWS के आधार पर नियुक्त, ये EWS के लिए लिखा गया 8.3, इसमें कहा गया है कि EWS के आधार पर नियुक्ति की मांग करने वाले व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास केंद्रीय सरकार के मौजूदा आदेशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णायक तिथि यानी 25-1-2002 तक जारी किया गया आय और संपत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध हो। ठीक है, तो यहाँ पे उसने डेट भी मेंशन कर दिया है कि अनुसूचित जाति मतलब SC ST OBC EWS श्रेणी का दावा करने वाले के लिए निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात 25-1-2023 होगी, मतलब आपका प्रमाण पत्र यहां तक आपका बना होना चाहिए, इससे पहले का बना होना चाहिए। ठीक है,
शैक्षिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे केवल 10+2 मांगा है या इसके समकक्ष आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जो आपको भरना है उसे बहुत ही सावधानी से भरना है। यहाँ पे एक लाइन लिखा गया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन, सुधार, संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए आप जब अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें तो आप बहुत ही सावधानी पूर्वक भरें। जो फीस रखा गया है ओबीसी और जनरल, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 100 रुपये, ठीक है, और बाकी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, भूतपूर्व सैनिक, ठीक है, और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 0 फीस, मतलब उनकी फीस में छूट दी गई है। फीस आप भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर कार्ड, मेट्रो रुपए, डेबिट कार्ड, ठीक है, आप किसी से भी भुगतान कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया है कि कहाँ कहाँ पे पेपर होगा, आप अपनी सुविधा अनुसार इस लिस्ट को देख ले और जहाँ जहाँ आपका सेंटर हो आप अपना सेंटर चुन ले। आप जो सेंटर चुनेंगे उन्हीं में से किसी एक सेंटर पे आपको पेपर देने के लिए भेज दिया जाएगा। परीक्षा योजना, परीक्षा कैसे होगी इस पे देखते हैं हम लोग। परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी, ठीक है, उसके बाद आपका कौशल टेस्ट होगा, शारीरिक मानक जांच होगा, दस्तावेजों का सत्यापन होगा, ठीक है, मेडिकल जांच होगी, यदि आप इसमें पास हैं तो आप पास माने जाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट जो होगा वो 90 मिनट का होगा, ठीक है, 100 प्रश्न, मतलब प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, आपको समय 90 मिनट दिया जाएगा। परीक्षा जो होगी आपकी 22 से 28 फरवरी 2023 के बीच में होगी। इसमें आपको हिंदी या अंग्रेजी में से एक भाषा चुनने का विकल्प होगा, आप इसमें से कोई भी एक भाषा चुन सकते हैं, जिसके 25 प्रश्न होंगे, ठीक है। सामान्य योग्यता के, मतलब जो जीके होगा आपका 25 प्रश्न आएंगे, सामान्य बुद्धिता के भी 25 प्रश्न होंगे, मात्रात्मक अभि क्षमता के आपके 25 प्रश्न होंगे। इसमें 25 25 25 करके ये 100 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया गया है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा सिलेबस। यहाँ पे आपको दिया गया है कि 0.25 अंक नकारात्मक, मतलब 1/4 माइनस मार्किंग इसमें होगा। अब बात करते हैं आपके स्किल टेस्ट का, ठीक है, जो आपका स्किल टेस्ट होगा, मतलब टाइपिंग और स्टोनो जो, ठीक है, जो आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी और आपका स्टोनो का टेस्ट होगा, उसके बारे में दिया गया है कि आपका जो स्टोनो का टेस्ट होगा, ठीक है, वो 10 मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से होगा, मतलब 10 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा जिसको आपको 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से लिखना होगा। और जो आपने अपनी कॉपी पे लिखा होगा उस पर कंप्यूटर पे टाइप करने के लिए अंग्रेजी वाला जो होगा 50 मिनट दिया जाएगा, जो हिंदी में आपको टाइप करना होगा उसके लिए 65 मिनट का समय दिया जाएगा। अब जो आपकी टाइपिंग होगी वो इंग्लिश में आपकी स्पीड 35 शब्द प्रति मिनट की गति से, ठीक है, अंग्रेजी वाला, और 30 शब्द प्रति मिनट की गति से आपका हिंदी की टाइपिंग होगी, ठीक है। अब ये जो दिया गया है कि 35 और 30, इसमें की डिप्रेशन के आधार पे, ठीक है, साफ साफ लिखा की डिप्रेशन, मतलब 5 की डिप्रेशन को की औसत आपकी होनी चाहिए, ठीक है, 5 की डिप्रेशन को एक शब्द माना जाएगा, ठीक है। और जो आपका ये फॉन्ट होगा हिंदी का, हिंदी का जो फॉन्ट होगा आपका मंगल फॉन्ट के साथ रेमिंगटन गेल की लेआउट पर होगा, ठीक है, ये मंगल फॉन्ट पे आपका होगा। तो ये चीजें हो गई आपका आशुलिपिक और आपकी टाइपिंग, ठीक है, टाइपिंग जो स्टोनो देगा उसे भी देना है, ठीक है, और आशुलिपिक परीक्षा केवल स्टोनो के लिए होगी, जो आपके मिनिस्ट्रियल पद है हवलदार वाली उसके लिए आपकी स्टोनो वाली परीक्षा नहीं होगी। तो स्टोनो के लिए मैं शुरू में बताया था कि अगर आपको स्टोनो की तैयारी है तो अब उसे बहुत मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अभी आज जो रिजल्ट आया उसमें स्टोनो में बहुत सी सीटें खाली चली गई हैं, ठीक है। जो गलतियों पे छूट है, अभ्यर्थी द्वारा वास्तव में टाइप किए गए अध्यांश में 5% शब्दों के बराबर की गलती अगर आप करते हो तो आपको छूट दी जाएगी, कोई अंक नहीं कटेगा, ठीक है। अब स्वीकार जो 5% उससे अधिक आप गलती करते हैं तो वास्तविक टंकण गति का आकलन करने के लिए अभ्यर्थी द्वारा टाइप किए गए कुल शब्दों में से 10 शब्द घटाए जाएंगे, ठीक है। तो ये अगर आप 5% गलती करते हैं तो कोई बात नहीं, वो माफ है, उसके बाद आपकी क्या होगा, हर गलती पर 10 शब्द घटाए जाएंगे। जैसा कि ऊपर कौशल टेस्ट में उल्लेख किया गया है कि है उनकी केवल SSI स्टोनों के लिए आउसलिपिक शॉर्ट हैंड टेस्ट पर चलेगी, मतलब ये कह रहा है कि जो शॉर्ट हैंड है वो केवल स्टोनो
पद के लिए जो आवेदन कर रहे हैं उनके लिए होगा, ठीक है, सबके लिए ये मैंडेट नहीं। हवलदार के लिए स्टोनो की परीक्षा देना जरूरी नहीं। स्टोनो में क्या है, 40 गलतियों के बाद जो 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट के डिक्टेशन में 800 शब्दों का 5% है, ठीक है, मतलब 800 शब्दों का जो 5% होगा 40 गलतियां होंगी, ये तो आप के लिए माफ है, यदि इससे जाता है ज्यादा आप गलती करते हैं तो आप अनुत्तीर्ण माने जाएंगे। अब शारीरिक मानक जांच दस्तावेज सत्यापन में इसमें देख लेते हैं क्या होना चाहिए कि आपकी जो जनरल है ओबीसी है उनके लिए जो लंबाई होगी वो 165 सेंटीमीटर, ठीक है, सीना का फुलाव 77 नॉर्मल होना चाहिए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर मिनिमम फूलना चाहिए, और बाकी जो कुछ अलग जगह से जो पहाड़ी इलाकों से गढ़वाली हुई कुमानी गोरखा डोगरा मराठा, ठीक है, और कुछ और जैसे सिक्किम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम, ठीक है, ये जो हमारे सिस्टर स्टेट है यहाँ से यदि आप ये हिमाचल प्रदेश लद्दाख जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो आपकी लंबाई 162 सेंटीमीटर 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपका सीना मिनिमम 77 सेंटीमीटर का होना चाहिए, फुलाने के बाद मिनिमम 82 हो जाना चाहिए, ठीक है, 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। यदि बात करें एससी की अनुसूचित जाति की तो लंबाई 162.5 सेंटीमीटर, सीना 76 से 81 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, और महिला अभ्यर्थियों के लिए बात करें ये जनजाति के लिए, ठीक है, जनजाति के लिए एसटी के लिए ये दिया गया है 162.5 से 76 और 81, ठीक है, और एससी शायद हमें लगता है एससी को इसी में शामिल कर दिया गया, मतलब इसमें जनरल ओबीसी एससी तीनों शामिल है, इनकी लंबाई 105 फुट होनी चाहिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं महिला के लिए, महिला की जो लंबाई है वो 155 सेंटीमीटर होगा, सीना कफला उसमें शामिल नहीं है, और बाकी ये जो सिलेक्टेड स्टेट है यहाँ पे 150 होनी चाहिए, अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थी 150 सेंटीमीटर उनकी लंबाई मांगी गई है, ठीक है, जितनी भी महिला अभ्यर्थी हैं। अब लास्ट में थोड़ी फोटो के बारे में चर्चा कर लेते हैं, आपकी जो फोटो की रंगीन फोटो होनी चाहिए 35 mm गुणे 45 mm के बीच होनी चाहिए, ठीक है, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, और यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आपकी नहीं चलेगी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो स्वीकार नहीं की जाएगी। हल्के पृष्ठभूमि बैकग्राउंड आपका हल्का होना चाहिए, हल्का ग्रे या सफेद होना चाहिए, 70 से 80% आपका चेहरा उस फोटो में दिखना चाहिए, ठीक है, और पृष्ठभूमि मतलब आपका जो बैकग्राउंड है उससे मिलता जुलता आप कपड़ा ना पहने, ठीक है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। यदि आप चश्मा लगाएं तो आपकी आंखें साफ दिखनी चाहिए, यदि आपकी आंखें साफ नहीं पीछे वाली दिख रही हैं तो आप चश्मा उतार दें, और उसकी जो जेपीजी फाइल में आपकी फोटो होना चाहिए 50 से 100 KB के बीच में उसका पिक्सल होना चाहिए। अब बात करें हस्ताक्षर की, तो हस्ताक्षर आपका सफेद कागज पे काली स्याही से करना है, ठीक है, और उसकी जो साइज होगी वो जेपीजी जेपीईजी और 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे इस फॉर्म को भरने के लिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कैसा सिलेबस होगा, कैसी कब आपकी परीक्षा होगी, ठीक है, कौन से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सब पे हमने चर्चा की। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र कब तक का बना होना चाहिए, सेंट्रल का होना चाहिए या राज्य का होना चाहिए, सब पर हमने चर्चा की ली। मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि बहुत स्पष्ट नहीं लिखा गया है, तो आप अगर चाहें तो सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए अप्लाई कर दीजिए, दोनों बनवा के रख लीजिए, जिससे कोई भी दुविधा आपके पास ना, ठीक है।